नमस्कार साथियों, कैसे हो? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। नगर पालिका की बहुत बड़ी अपडेट लेकर और बहुत सारी अफवाहों को दूर करने के लिए मैं आपके पास एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूँ। तो वीडियो को शेयर कर दे सभी सभी जो भी जुड़ चुके हैं एक बार अपने सभी ग्रुपों में, ईमानदारी से पांच पांच ग्रुपों में शेयर कर दे। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन न्यूज आपके सामने आने वाली है। ब्रेकिंग न्यूज है, लाइव से है। सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 की बात करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे YouTube पर फेक आ रही है कि आज जारी होगी लॉटरी, कल शाम को होगी लॉटरी जारी, ये होगी वो होगी। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो में आपको मैंने साफ शब्दों में कहा था कि आप 30 तारीख तक इंतजार करें, 30 तारीख तक आप इंतजार करें, और 30 तारीख के बाद जहां तक विभाग की बात है, सीएम साहब के निर्देश की बात है कि 10 दिन में भर्ती प्रक्रिया चालू हो जाएगी, मगर आज 18 दिन हो चुके हैं, उन बातों को क्यों नहीं हो रही है, इन बातों पर अपन परिचर्चा करेंगे कि लॉटरी में आखिर देरी क्यों है, ऐसी क्या वजह है कि लॉटरी में देरी हो रही है, अब कब फिर भाई साहब लॉटरी में जो अपने लॉटरी है इसमें देरी हो रही है तो अब कब निकलेगी, सबको है इसका इंतजार, सब देखना चाहते हैं। और लॉटरी निकलेगी तो हमें पता कैसे चलेगा कि भाई साहब हमारा नंबर आया है या नहीं आया, ये भी बात अपन करेंगे। इससे पहले एक छोटी सी खबर है, आप देख सकते हो आज की बात है। आज सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर स्वायत्त शासन विभाग निदेशक महोदय को ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था। जो कुछ आंदोलन चल रहे हैं, कुछ संगठनों के आंदोलन चल रहे हैं, उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है, जिसमें हमारी मुख्य मांगे थी, इस भर्ती की मुख्य मांगे क्या थी, भर्ती को जल्द से जल्द लॉटरी सिस्टम से करवाए, यानी सब यही चाह रहे हैं अब कि इस भर्ती को तुरंत समाप्त करके लॉटरी सिस्टम लागू करके सबको नौकरी दे दी जाए जिनका नंबर आएगा। अनुभव पत्र में जो पीएफ की मांग है उसे बाध्यता को हटाया जाए, राजस्थान 10 दिन का समय दिया था, या तो भर्ती हमारी सिस्टम से कर दे, नहीं तो एक बड़े आंदोलन की तैयारी प्रारूप तैयार हो गया। सीएम हाउस का घेराव भी किया गया, अब की बात जिस तरह साथी पहुंचे उसे ज्यादा जोश और जुनून है, तो ये भर्ती हम जल्दी करवा देंगे, एक संगठनों की मांग है, संगठनों की प्रक्रिया है जो अपने हैं। सफाई कर्मचारी में होगा क्या, शौचालय की सफाई होगी भाई साहब, नालियों की सफाई होगी, नालों की सफाई होगी, कचरा पॉइंट का निर्धारण होगा, गीला और सूखे कचरे का पृथक्करण किया जाएगा, शिविर ये इंपोर्टेंट है, ये स्टार है, शिविर से जुड़े उपकरणों की जानकारी है, शिविर से जुड़े जो मापदंड है उनकी सफाई ये, इसके अलावा आप देखोगे पार्क होता है ना पार्क, इनकी सफाई, मृत पशुओं को उठाने की प्रक्रिया, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इस भर्ती में लगने के बाद आपको करना पड़ेगा, तो काम आपको यही करना पड़ेगा। अब भाई साहब सबसे प्रमुख मुद्दा यह है कि इस भर्ती में देरी क्यों हो रही है, क्योंकि भाई साहब फॉर्म की छटनी जारी है, छटनी हो रही है, जैसे ही फॉर्मों की छटनी होगी विभाग एक नोटिस जारी करेगा और लॉटरी जिस दिन आएगी उससे पहले आपको पता चल जाएगा। देखो एक तो आप अपनी SSOID, जो आपकी SSOID है, इसमें आपके मेल आएगा या मैसेज आएगा, SSOID पर मेल आएगा, जो आपने नंबर दिए हैं हो सकता है उन पर भी मैसेज आए, या कहीं नहीं आए तो मैंने आपको कह दिया है आप 9 9 8 8 7 6 4 6 0 2 0, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, इन व्हाट्सएप पर आप तो केवल ये लिखो सफाई भर्ती, सफाई भर्ती, आप सफाई भर्ती लिखोगे आपके पास एक मैसेज आएगा, उसमें हमारा टेलीग्राम का लिंक भी होगा, हमारे यूट्यूब का लिंक भी होगा और हमारे ऐप का लिंक भी होगा, तो जो चीज ज्वाइन टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना उससे, टेलीग्राम, क्योंकि ऐसे लोगों को मिलता नहीं है फिर ढूंढते हैं, तो जैसे टेलीग्राम लिखा उस लिंक पर जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, उस पर संपूर्ण PDF में डाल दूंगा, जिस भी विभाग की आएगी सबसे पहले वहां से आपको PDF उपलब्ध करवा दी जाएगी। एक है जो सफाई के कार्यों से संबंधित है, सफाई के कार्यों से संबंधित एक फ्री PDF है, बहुत सारे लोगों को मैंने दे दिए मगर मैसेज ही भाई साहब इतने आ गए कि सब तक नहीं पहुंचा पा रहा हूं, तो एक दो दिन में वो PDF आप तक पहुंच जाएगी। तो इन नंबरों पर आप सफाई कर्मचारी लिखेंगे तो ये फ्री PDF है जिसमें संपूर्ण सफाई के उपकरणों की जानकारी, पार्कों की जानकारी, डब्बों की जानकारी सब यहां पर दी गई है। ये हमारे YouTube पर चैनल पर जाकर बहुत सारे ऐसे वीडियो बना रखे हैं मैंने सफाई कर्मचारी संबंधित, तो वो भी देख सकते हैं, तो फ्री PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हैं भाई साहब, मैंने पहले भी कहा था
अगर आप ऑफलाइन आकर तैयारी करना चाहते हैं, कोर्स खरीदना चाहते हैं, तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर बाय स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। अब कोर्स 399 रुपए में मिल रहा है, और केवल पीडीएफ चाहिए तो 99 रुपए में, और फ्री पीडीएफ भाई साहब आपको फ्री में ही मिल रही है। अगर ऑफलाइन आकर आप तैयारी करना चाहते हैं तो संकल्प क्लासेस बानसूर में आपका स्वागत है। ये हमारी ब्रांच है, इस ब्रांच में ऑफलाइन बैच है जो मात्र 2000 रुपए में है, जिसमें 3 दिन हम आपको ट्रेड की तैयारी करवाएंगे, उपकरणों की जानकारी देंगे, ऑनलाइन कोर्स देंगे, सब चीजें देंगे। ये 2000 रुपए में आपका रहना खाना जो ट्रेड की तैयारी सब कुछ आ गई, मात्र 2000 रुपए में। अब उस मुद्दे पर वापस आ जाते हैं कि सर लॉटरी में देरी क्यों है, तो देरी का पता चला, डीएल भी अपना काम कर रहा है, 30 तारीख या 1 जुलाई तक स्पष्ट हो जाएगा कि कब कब लॉटरी निकलेगी। 5 तारीख से पहले पहले संभावित सबकी लॉटरी निकलने के चांस है, ये विभाग की आंतरिक बातें हैं। अब कब तक पूरी होती है, क्योंकि भर्ती को चलते हुए पूरा 1 साल हो गया, और इस एक साल में सरकार ने भाई साहब ऐसा कोई मापदंड नहीं किया। पिछली सरकार थी उसने भी ऐसे जुमले दिए, इस सरकार है इसने भी एक जुमला दिया। तो लॉटरी का इंतजार करने वालों को मैं कह दूं, 5 जुलाई तक आप आराम से दिल थाम कर बैठे रहे, क्योंकि आम का आपके करने से कुछ नहीं होगा। अगर कोई भी न्यूज आएगी हम आपको उपलब्ध करवाते हैं, सबसे पहले करवाते हैं, न्यूज पेपर में भी आ जाती है सारी चीजें, फिर भी आपकी जिज्ञासा रहती है कि सर वीडियो। एक कॉल कर करके पूछे सर आज लॉटरी निकलेगी, आज 30 तारीख से पहले तो आप सोचे भी नहीं, 30 जून से पहले तो आप सोचे भी नहीं। अगर विभाग ने कर दिया तो आपकी खुशकिस्मती है, मगर 30 तारीख से पहले मुझे नहीं लगता कि हो जाएगी। जिस भी विभाग से लॉटरी जारी होगी, जैसे आप अपने आप सभी को पता है 187 नगर निगमों की बात करें और 24,797 पदों की भर्ती है, तो इन 187 पर सब पर अलग अलग लॉटरी निकलेगी, अलग अलग ये लॉटरी है ना भाई साहब, अलग अलग निकलेगी, यानी जो निकाय है उनके सबके अलग अलग निकलेगी। जैसे कोटपुतली उसकी अलग निकलेगी, फिर भाई साहब शाहपुरा है उसकी अलग निकलेगी, जयपुर ग्रेटर की अलग निकलेगी, हेरिटेज की अलग निकलेगी, बाड़मेर की अलग निकलेगी, बीकानेर की अलग निकलेगी, गेरतल की अलग निकलेगी, यानी सब जगह की अलग अलग, क्योंकि ये नगर पालिका स्वयं जो एक नगर पालिका होगी वही लॉटरी जारी करेगी, संपूर्ण राजस्थान की एक लॉटरी जारी नहीं होगी। डीएलबी भी लॉटरी जारी नहीं करेगा, डीएलबी निर्देश देगा, वहां टीम गठित करेगा और वो टीम आपकी लॉटरी जारी करेगी, और वह लॉटरी आपके SSO ID पर आपका मैसेज आ जाएगा। तो इसमें ज्यादा पूछने वाली बात नहीं है, काफी पूछते हैं सब सबकी साथ आएगी क्या, एक की आएगी क्या, दो की आएगी क्या, ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं। जिसकी भी आएगी, जैसे 30 तारीख से 5 तारीख के बीच, संभावित 30 जून से 5 जुलाई के बीच लॉटरी जारी होने के 100% चांस है, तो हमें भी लग रहा है, तो जैसे ही लग रहा है वैसे ही हम आपको बता रहे हैं। तो आप इंतजार करें फालतू में कॉल और मैसेज करके, ना मुझे परेशान करें, ना आप परेशान हो, ना दूसरे वीडियो देखकर टेंशन में हो। जो भी आएगी मैंने टेलीग्राम का बता ही दिया है, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, पीछे जो जिन्होंने वीडियो नहीं देखा वो देख ले और टेलीग्राम ज्वाइन कर ले। वहां जैसे जिससे भी नगर निकाय की लिस्ट आएगी मैं उस पर डाल दूंगा, आराम से आप अच्छी तरह से देख सकता है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हर न्यूज आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। आप सबको पता है कि मैं लगातार आपसे जुड़ा हुआ हूं, लगातार आपको हर चीज की अपडेट देता रहता हूं और नियमित रूप से सही अपडेट देता हूं, फालतू की बातें नहीं है। वीडियो लंबी है छोटी है, कुछ कमेंट्स आएंगे तो वो सबकी अलग अलग सोच है, मैं उस पर कुछ नहीं कह सकता, मगर जो बातें थी ऐसी कोई अभी गुंजाइश भी नहीं है 2-4 दिन तो कि लॉटरी जारी हो जाएगी, कल हो जाएगी, परसों हो जाएगी। देरी होने का यही कारण है कि डीएलबी विभाग जो आपकी लॉटरी जो फॉर्म भरे गए थे उनकी छटनी कर रहा है कि ओबीसी के कितने हैं, एसटी के कितने हैं, एससी के कितने हैं, जर्नल के कितने हैं, ईडब्ल्यूएस के कितने हैं, एमबीसी के कितने हैं, फिर उनमें से महिला वर्ग को छाटेगा, फिर महिलाओं से विधवा, तलाक शुदा, एक्स सर्विस मैन, ऐसे सबको छटनी कर रहा है अभी। फिर छटनी करने के बाद जिस कैटेगरी के जितने पद है उनके 3 गुणा पदों पर, कितने गुणा पदों पर, 3 गुणा पदों पर लॉटरी निकलेगी, यानी लगभग आप ये मान लो 75,000 लोगों को लॉटरी में नंबर आना है। कितने का नंबर आना है, 75,000 लोगों का नंबर आना है, क्योंकि 24,797 पद है तो लगभग 25 25 75, एक पद के लिए 3 लोगों को पास किया जाएगा। फिर आपसे 3 महीने ट्रेड टेस्ट करवाया जाएगा, उस ट्रेड टेस्ट में आपके जो स्कोर रहेगा कि आपने काम कैसा किया उसके आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन लिया जाएगा, आपका पूरा
सिलेक्शन लिया जाएगा। ये इस भर्ती की प्रक्रिया रहेगी, जो ज्यादा लोगों की टेंशन में आए ही नहीं, ज्यादा फालतू बातों में पड़े ही नहीं। ठीक है साथियों, और कह रहा हूं बारी बारी से कह रहा हूं कि लॉटरी हर नगर पालिकाओं की अलग अलग निकलेगी। आपकी SSO ID पर आपका सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ उसका मैसेज आ जाएगा, हो सकता है मोबाइल नंबर पर भी आ जाए। ऐसा कुछ नहीं हो तो मैंने जो मेरे पहले नंबर दिए हैं, मैंने ये जो नंबर दिया है इन नंबरों पर आप मैसेज कर देना, यहां मैं PDF आपको सेंड कर दूंगा जिस नगर पालिका की आएगी उसकी। इसी के साथ अलविदा चाहता हूं प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद जय भारत।